कोविड-19 महामारी में एक तरफ जहां सरकार व प्रशासन ऑक्सीजन सप्लाई करने में नाकाम साबित हो रहा है, तो वहीं श्रीनगर रोड स्थित आर्य नगर में फेयर डील ट्रेडर्स वितरक द्वारा लोगों को जनप्रतिनिधियों की मदद से राहत प्रदान की जा रही है। इस महामारी के बीच कई लोग ऑक्सीजन की कमी से तड़प रहे हैं और भगवान से सांसें प्रदान करने की मनोकामना कर रहे हैं, लेकिन अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी है और JLN अस्पताल में तो मरीजों को भर्ती नहीं किया गया। साथ ही मित्तल अस्पताल में भी ऑक्सीजन की कमी को देखते हुए मरीजों को स्वयं बिस्तर पर ऑक्सीजन उपलब्धता कराने की बात कही गई है। इसी बीच फेयर डील ट्रेडर्स के संचालक सुनील खंडेलवाल द्वारा मृदंग सिनेमा के परिसर में स्थानीय जनप्रतिनिधियों के सहयोग से टेंट व अन्य व्यवस्था की गई और वहां आने वाले लोगों को गाड़ियों में ही ऑक्सीजन दी जा रही है, जिससे कि वह कुछ समय तक ऑक्सीजन प्राप्त कर राहत ले सकते हैं। इस व्यवस्था को लेकर पीड़ित मरीज के परिजन काफी खुश है और उन्होंने धन्यवाद दिया है। वार्ड नंबर 50 पार्षद नरेश सत्यावना का कहना है कि यह व्यवस्था प्रशासन को करनी चाहिए, लेकिन वह नहीं कर पा रहा और लोगों को तड़पता देख मरीजों को कुछ राहत मिले इस तरह की व्यवस्था की गई है और इस बात की जानकारी पर मरीज अपने परिजनों के साथ यहां पहुंच रहे हैं और कई लोग यहां से ठीक होकर अपने घर भी पहुंचे हैं। उन्होंने कहा कि जब तक ऑक्सीजन की उपलब्धता मिलती रहेगी इस तरह से सभी को राहत दी जाएगी। यहाँ पर जो लोग जिन लोगों को ऑक्सीजन की जरूरत है, जिस प्रशासन जहाँ फेल हो गया, लोग तेल मिला के मर रहे थे, वहाँ पर ऑक्सीजन की व्यवस्था सुनील खंडेलवाल द्वारा खंडेलवाल धर्मशाला में कल की गई थी, लेकिन खंडेलवाल धर्मशाला के जो भी ट्रस्टीगण हैं उन लोगों के द्वारा वो मना कर दिया गया है कि यहाँ पे कैंप आप उठा लो, यहाँ कैंप नहीं लगेगा। और वहाँ का जो पंडित है, जिससे लोग जिन्हों उस पंडित को बुलाते हैं शादी ब्याह के अंदर, शुभ कार्य के अंदर, वो अपने मंत्र बोलकर बहुत अच्छे कार्य करता है, लेकिन उसने ऐसा घिनौना काम करा है कि यहाँ पे कोई जिंदा कोई मरे या जिए हमें से मतलब नहीं है, आप यहाँ से कैंप उठा लो। फिर हमने हमारे मृदंग में उमेश मेवाड़ा जी से निवेदन करके यहाँ पर कैंप लगवाने के लिए जगह मांगी उनसे, और हमारे मैं खुद नरेश सत्यावना, साथ में हमारे मनीष राजौरिया और आलोक गुप्ता जी, सुनील खंडेलवाल जी तन मन धन से पूरा यहाँ पर सहयोग कर रहे हैं और सूक्ष्म राशि 600 रुपये के अंदर यहाँ पर लोगों को 2 से 6 घंटे ऑक्सीजन दे रहे हैं और उसके अंदर सब लोग लाभ ले रहे हैं और सब ये कह के जा रहे हैं सुनील खंडेलवाल जी को और हमें कि भगवान आपका भला करे, लेकिन हम चाहते हैं भगवान इन सबका भला करे और प्रशासन इस कैंप को लेकर जगे, प्रशासन को कुछ सीख ले इससे कि लोगों का किस प्रकार लोग मर रहे हैं, उसको हम बचाने की हम कोशिश कर रहे हैं। जो काम प्रशासन को करना चाहिए वो आज हमारी टीम कर रही है। अभी आज हमने जो कैंप लगाया है कम से कम हमारे पास 12-15 लोग आ गए, साथ ही कल के लिए लोग 30-35 लोगों ने हमारा नाम लिखा दिया है, उन्हों को और लाभ दिया जाएगा इसका, साथ ही ये कैंप कम से कम रात के 12 से 1 बजे तक चलेगा।